बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भी लॉकडाउन है और आज हफ्ते का दिन है। मैं आया था शॉप पे, लेकिन मोड़ पर सभी दुकानें बंद हैं, क्लोज हैं। तो मैंने सोचा चलो बाज़ार जाते हैं, देख के आते हैं बाज़ार की क्या सूरत हाल है। तो अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैं अभी रुका था ये थोड़ा आपको माहौल दिखाने के लिए। ये हमारे साथ नहर है बड़ी सारी, जो ज़रई इलाके को पानी देती है। तो मैं अभी उसके ऊपर ही साइड पे रुका हुआ हूँ, और यहाँ पर नर्सरी भी बनी हुई है माशाल्लाह से, बहुत सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं। ये पीछे मेन रोड है, ठीक है, और अभी आपको मैं नहर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये साथ साथ लगाई हुई है पूरी, वो आगे तक है। तो ये साथ में हाकड़ा नहर भी जा रही है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा मौसम हुआ, ठंडी जगह हो गई है। मतलब के अगर छांव में आप बैठे हैं और साथ नहर चल रही हो तो क्या माहौल होगा। तो मैं अपने कुछ दुकान के काम के सिलसिले में आया था, तो बाज़ार तो पूरे बंद हैं। ये देखें, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन जो हुआ है, तो बाज़ार दुकानें सभी कुछ बंद है। कुछ कुछ दुकानें जो है गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है वो ओपन है, नहीं तो बाकी सभी बंद हैं। ये गोश्त वाली दुकानें, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, मेडिकल स्टोर वगैरह, बस यही कुछ ओपन है, बाकी सब कुछ क्लोज़ किया हुआ है। अल्लाह खैर करे जल्दी से वबा ख़त्म हो और वही पहले जैसा माहौल फिर बन जाए, हर एक आदमी को रोज़गार मिले। हम अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वबा जल्दी से ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे। मैं जा रहा था घर की तरफ, तो फाइनली हमारे फटाबाद शहर में भी फास्ट फूड की शॉप ओपन हो रही है, ये बैनर देखें आप। तो मैं घर आ गया था तकरीबन 2 बजे के करीब, तो आके सो गया था, थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तो बाहर बहुत तेज़ हवा और आंधी चल रही है, और अभी असर की अजान हो रही है। ये देखें कैसे मट्टी मट्टी उड़ रही है, और वो पीपल के दरख्त देखें कैसे हिल रहे हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही है। कुछ दिन पहले हमारी गली में इतना पानी खड़ा था बारिश की वजह से, अभी सारा खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर देखें हमारे कपास की जो काश्त है वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्लांटर का है कुछ हिसाब किताब, प्लांटर चलता है हमारी तरफ। ये जो है ना, ये इसके ऊपर वो बी गिराते हैं, और ये पानी के लिए खेल है, और वहाँ पर फिर बी होगा। ये पूरी खाली होगी और वहाँ पर फिर बी होगा कपास का। तो ये पूरा बीघा जो है ना, ये देखें अभी अभी काश्त करके गया। तो अभी क्या है ना, इसको पानी लगाएंगे, ये खुश्क ज़मीन में बिजाई की है, इसको पानी लगाएंगे, और उसके बाद जो है ना, जहाँ जहाँ ये बीज है वहाँ पर स्प्रे कर देंगे घास फूस की, ताकि घास फूस ना उगे, सिर्फ बी ही उगे कपास का। तो मैं अभी दरबार शरीफ पर आया था लाइट चलाने के लिए ऊपर वाली,
और मगर होने में बस कुछ मिनट बाकी हैं अफ्तारी होने में। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दरबार शरीफ पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हमारा पीपल जो है वो दोबारा से पत्ते निकालने शुरू हो गए और आज तेज़ हवा बहुत चल रही है।